नमस्कार, समस्त साहित्य सुधी जनों का स्वागत है मेरे चैनल के हिंदी मंच में। मैं नीलकमल राम राज्य का पठन और श्रवण कर रही थी, जो कि एक रेडियो रूपक है, और चार दृश्य हमने पढ़ लिए हैं और आज मैं पांचवा दृश्य लेके आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हुई हूँ। चौथे दृश्य में मैं आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता दूँ कि तीसरे दृश्य में श्रमशाला का भ्रमण किया था एक स्त्री और पुरुष ने, जो कि दक्षिणी ध्रुव में एक विशेष प्रकार का समाज स्थापित करना चाहते हैं और जिसके लिए अलग अलग देशों में शिष्टमंडल गया है। भारत में जो शिष्टमंडल आया है उसमें एक स्त्री और एक पुरुष हैं, और उन्होंने इस उद्देश्य से कि किस तरीके का समाज है और किस तरीके के समाज का गठन हम करेंगे, जिसमें शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जिसमें उद्योग कैसा होना चाहिए और जिसमें और भी चीज़ें किस तरह से होनी चाहिए, उसका एक जायजा लेने के लिए आए हैं। तो अभी तक इन्होंने तीसरे दृश्य में श्रमशाला का भ्रमण कर लिया है और चौथे दृश्य में पाठशाला का भ्रमण कर लिया है। अब पांचवें दृश्य में क्या होता है, चलिए देखते हैं। एक अनहद संगीत, वंशी का स्वर, कोयल की कूक। पुरुष कहता है कि आप हमें किस मायापुरी में लिए जा रहे हैं। स्त्री, हाँ यह मायापुरी ही तो है। चारों ओर लहराते हुए खेत, कहीं फल फूल, कहीं बालियां, बीच बीच में बगीचे, कहीं बौरों से लदे, कहीं फलों से लदे, हवा पराग से बोझिल, फिर यह अनहद संगीत। आहा, पथ प्रदर्शक कहता है, ओहो आप कवि भी हैं। हाँ, हर स्त्री कुछ कवि होती है, किंतु यह मायापुरी नहीं, यह तो मायापुरी का पड़ोस है। मायापुरी तो देखिए वहां है, एक तरफ इशारा करता है। पुरुष कहता है, वह तो कोई नगर सा है, कौन सा नगर है। स्त्री, किंतु आप तो हमें गांव दिखलाने लिए आए थे ना। पथ प्रदर्शक, वह गांव ही तो है। पुरुष, गांव है, जहां के मकान यहीं से यूं चमक रहे हैं, शायद कोई नमूने का गांव बसाया है आपने। पथ प्रदर्शक, नहीं, हमारे सारे गांव ऐसे ही हैं। बहुत दिनों की बात है, हमारी बापू की एक शिष्या थी विलायत की, उन्होंने भारतीय गांव पर लिखा था कि जब रास्ता पकड़कर मैं चलती हूँ तो दुर्गंध से नाक फटने लगती है, तो मैं समझती हूँ कि मैं गांव के निकट आ गई। काश वह देवी आज होती। खैर वह न सही, आप तो हैं। कहिए आपकी नाक तो नहीं फट रही। मेरे तो, स्त्री कहती है कि मेरे तो नाक कान और आँख सब तृप्त हुए जा रहे हैं। चलिए हम जरा आपके गाँव को निकट से देखें। तो पांचवें दृश्य में स्त्री और पुरुष आए हैं पथ प्रदर्शक के साथ, और पथ प्रदर्शक उन्हें गांव को दिखाने के लिए लाए हैं, और दूर से जो दिख रहा है बहुत चमकता हुआ सा, तो स्त्री कहती है कि हो सकता है ये आप लोगों ने कोई सैंपल बनाया हो कि इस तरीके का नमूने का गांव हो ये। पथ प्रदर्शक बताता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, 2051 का भारत है ये, बापू जी के स्वप्न का राम राज्य है ये, आज 2024 है, आज से भी आगे की बात है, काल्पनिक है, और उस काल्पनिक भारत में रामराज्य की स्थापना हो गई है और वहाँ गांव जो बना हुआ है वो सैंपल का गांव नहीं है, बल्कि पथ प्रदर्शक ये बताता है कि ये गांव भी सैंपल वाला गांव नहीं है, नमूने का गांव नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ तो सारे गांव ही इसी तरह के बनते हैं, इसी तरह स्वच्छ। पथ प्रदर्शक बताते भी हैं कि गांधी जी के साथ उनकी एक शिष्या थी जो विलायत की थी, विदेशी थी, उन्होंने लिखा था कि जब मैं चलती हूँ और जहाँ से दुर्गंध आना शुरू होता है, नाक फटना शुरू हो जाता है दुर्गंध से, तो मैं समझ जाती हूँ कि मैं किसी गांव के निकट पहुँच गई हूँ। तो पथ प्रदर्शक कहते हैं कि काश वो आज होती तो वो देखती कि भारत का जो ये 2051 का गाँव है वो वैसा गाँव नहीं है जो पहले हुआ करता था, बल्कि ये बहुत ही साफ सुथरा स्वच्छ गांव है। फिर ये कहते हैं कि चलिए वो ना सही, आप तो हैं, आपकी कहीं नाक तो नहीं फट रही दुर्गंध से। तो स्त्री तो काफ़ी आश्चर्यचकित हो रही है यहाँ की सारी चीज़ों को देखकर कि कितना दुर्लभ दृश्य वो देख पा रही है यहाँ पे। तो वो यही कहते हैं कि नहीं, मेरे तो नाक कान आँख सभी कुछ बहुत तृप्त हुआ जा रहा है, इतना सुंदर दृश्य है ये। कहती है स्त्री कि चलिए हम जरा निकट से आपके गांव को देखें, जो दूर से इतना खूबसूरत लग रहा है, जो दूर से इतना सुंदर लग रहा है, वो नज़दीक से और कितना सुंदर होगा। पुरुष कहते हैं कि क्या सचमुच ये गांव है। पंक्तियों में बने ये सुंदर सुंदर मकान, बीच बीच में पतली सुथरी पगडंडियाँ, हर घर के सामने रंग बिरंगी फुलवारियाँ, और यह शायद बिजली भी। पथ प्रदर्शक, हाँ हाँ बिजली ही तो है, बिजली खेतों को पटाती है,
जोतती है, घरों को जगमग करती है और चौके घर से सारी मनहूसियत को दूर रखती है। यह बिजली की कृपा है जिसने हमारे शहरों और गांवों के भेदभाव को सदा के लिए दूर कर दिया है। पुरुष कहते, किंतु गांधी जी तो ग्राम उद्योगों के पक्षपाती थे ना, फिर ये वैज्ञानिक साधन। पथ प्रदर्शक कहते हैं कि ग्राम उद्योग का पक्षपाती होने का अर्थ क्या वैज्ञानिक साधनों से असहयोग करना है? बापू ने रेल, मोटर, रेडियो, प्रेस सबका प्रयोग किया था। जहां विज्ञान मानवता को पीसता है हम उसे दूर रखते हैं। विज्ञान को हमने विशाल उद्योगों के एकाधिकार से हटाकर ग्राम उद्योगों में जोत दिया है। उसने हमें स्वावलंबी बनने में प्रचुर सहायता की है। बापू का मूल मंत्र था स्वावलंबन। हर व्यक्ति स्वावलंबी हो, हर कुटुंब स्वावलंबी हो, हर गांव स्वावलंबी हो और सारा राष्ट्र स्वावलंबी हो। चरखे के चलने की घर घर की आवाज आती है। अरे क्या आप लोगों के घरों में आज भी चरखे चलाए जाते हैं? तो पथ प्रदर्शक कहता है कि क्या चरखे को हम कभी भूल सकते हैं जिसने हमें स्वराज दिलाया, जिसको हमने अपने झंडे पर रखा? उसे भूल जाना तो अपने इतिहास को, अपने अस्तित्व को भूल जाना है। फिर बापू कहा करते थे कि चरखा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी है, धुरी को छोड़ देंगे तो गाड़ी चलेगी क्या? तो गांधी जी के विचार को बताते हुए पथ प्रदर्शक ये कहते हैं कि गांधी जी का तो सोच ही ऐसा था कि स्वावलंबन होना चाहिए, फिर चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो, यानी प्रत्येक व्यक्ति स्वावलंबी हो, एक परिवार स्वावलंबी हो, कुटुंब, एक कुटुंब स्वावलंबी हो और सारा राष्ट्र स्वावलंबी हो। हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज़ में। तो ये राष्ट्र इस समय का जो है वो 2051 का, वो स्वावलंबी राष्ट्र है। तभी चरखे के घर घर की आवाज़ आती है, जिसकी आवाज़ सुनकर स्त्री को लगता है कि अरे इतने समय आगे आ चुके हैं हम लोग, वक्त इतना गुजर गया है, तभी भी क्या आपके यहाँ चरखा चलाया जाता है? तो पथ प्रदर्शक बताते हैं कि बिल्कुल, चरखा तो हमारा इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग रहा है। हमारे इतिहास में चरखा को भूल जाना तो अपने इतिहास को भूल जाना होगा, इसीलिए हम चरखे को नहीं भूले हैं, क्योंकि चरखा हमारे संघर्ष का साक्षी रहा है, वो हमारे झंडे पर भी रहा है। तो चरखे को हमने आज भी घर घर में स्थान दिया है। पुरुष कहता है, किंतु चरखा तो पुराण पंथता का प्रतीक है। पथ प्रदर्शक, हमारे नए चरखे को देखिए तो कहिए। बापू ने 18वीं सदी के चरखे को 20वीं सदी के योग्य बनाया, हमने उसे 21वीं सदी के योग्य बना दिया है। हमारा एक चरखा पूरे परिवार को वस्त्र स्वावलंबी बना देता है। हम बापू के सपूत हैं ना। लड़कियों के हंसने की आवाज आती है। स्त्री, ओहो इधर लड़कियां आ रही हैं, कितनी सुंदर। पुरुष कहता है, तितलियों जैसी। तो पथ प्रदर्शक कहता है, हाँ रूप में तितलियां, किंतु काम में मधुमक्खियां। हमारी स्त्रियां युगों से घरेलू कामों पर एकाधिकार रखती आई हैं, अब तो वे कृषि आदि उद्योग में भी हमारा हाथ बटाती हैं। पुरुष, तब तो आपके यहाँ भी स्त्री पुरुष में संघर्ष होगा। पुरुष के पूछने का ये तात्पर्य है कि जब स्त्रियां भी काम करती हैं और पुरुष भी वही काम कर रहे हैं, एक संघर्ष होना बहुत स्वाभाविक सी चीज है। तो क्या आपके यहाँ भी स्त्री और पुरुष के बीच संघर्ष होता है? तो पथ प्रदर्शक कहते हैं कि जी नहीं, जहाँ अधिकार की बात होती है वहाँ संघर्ष होता है, यहाँ तो कर्तव्य की बात है। हमारे शास्त्रों ने स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा है। सामाजिक और पारिवारिक कर्मों का आधा बोझ अपने ऊपर लेकर उन्होंने उसे सार्थक बना दिया है। हमारी नारियों का आदर्श माता कस्तूरबा है, इसे आप ना भूलें। वो कहते हैं कि संघर्ष तो बराबरी में होता है ना। पथ प्रदर्शक बताता है कि संघर्ष तो वहाँ होती है जहाँ अधिकार होता है, लेकिन यहाँ तो हम लोगों ने स्त्री और पुरुष के संबंध को कर्तव्य से जोड़ दिया है और स्त्रियाँ जो है कर्तव्य के पालन के रूप में पुरुषों का साथ देती हो, तो संघर्ष फिर किस तरीके से होगा और क्यों होगा? स्त्री कहती है, पूज्य बा, वह तो संसार की नारियों के लिए सदा नमस्य रहेंगी। पुरुष कहता है, हाँ एक बात, आपके यहाँ कुछ लोग जो हरिजन कहलाते थे, गाँव में उनकी बस्ती किस तरफ है, जरा उधर तो चलिए। पथ प्रदर्शक हंसता है और कहता है, आप सुदूर भूत की बात कर रहे हैं। बापू ने कहा था हमें एक वर्गहीन वर्णहीन समाज बनाना है, हमने वैसा ही समाज बना लिया है। हमारे यहाँ ना तो कोई धनी है, ना कोई गरीब, ना कोई कुलीन है, ना कोई अंत्यज, सब एक साथ रहें, सब एक साथ उपभोग करें और एक साथ राष्ट्र को बलवान बनाए। इस प्राचीन आदर्श को हमने नए सांचे में ढाल दिया है। देखते नहीं गांव के सारे घर एक से हैं? गांव के घर ही एक से नहीं है, हमारे हृदय भी एक हो चुके हैं।
दूर से मृदंग और झांझ आदि का स्वर आता है। पथ प्रदर्शक ही बताते हैं कि दरअसल गांधी जी समाज में ऊंच नीच की भावना को समाप्त करना चाहते थे और इसीलिए वो एक वर्गहीन वर्णहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे और उनके सपनों को पूरा कर लिया गया है 2051 के भारत में, जहाँ पे कोई भी ऊंचा नहीं है, कोई भी नीचा नहीं है, कोई भी अमीर नहीं है, कोई भी गरीब नहीं है। समाज में प्रोडक्शन होता है और उस प्रोडक्शन में सभी का हिस्सा बराबर होता है। सभी के घर एक से बने हुए हैं और सभी के घर ही एक से नहीं बने हुए हैं, बल्कि सभी का हृदय भी एक हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि समानता की भावना को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है गांधी जी की विचारधारा में और गांधी जी के स्वप्न के राम राज्य में उसे साकार भी कर लिया गया है। तो दूर से मृदंग झांझ आदि का स्वर आता है। स्त्री कहती है, वह कोई उत्सव हो रहा है क्या? पथ प्रदर्शक, हमारा हर दिन उत्सव का दिन है। उत्सव से हम दिन का प्रारंभ करते हैं और उत्सव से ही दिन की समाप्ति होती है। संध्या होने को आई, अब जन गृह में गांव के स्त्री पुरुष वृद्ध बच्चे सबके सब एकत्र होंगे। वहां नृत्य होगा, गान होगा, नाटक होंगे, प्रहसन होंगे, रेडियो लगा है, देश देश की वार्ताएं सुनी जाएंगी। फिर लोग खुशी खुशी अपने घर जाएंगे और सुख की नींद सोएंगे। पुरुष, कितना सुखी समाज बना रखा है आप लोगों ने। यही बस जाऊं, मेरी तो ऐसी इच्छा होती है कि यही बस जाऊं। पथ प्रदर्शक कहता है, आप दोनों अपनी बात कह गए। पुरुष प्रतिस्पर्धी होता है, नारी आत्मसमर्पिनी। किंतु हम कहेंगे, आप जाइए और अपने देश में बापू के इस राम राज्य का संदेश दीजिए। पुरुष, अब हम वापस जाना चाहते हैं, क्या अपने राष्ट्रपति के दर्शन हमें करा सकेंगे आप? पुरुष कहता है कि अब हम वापस जाना चाहते हैं, क्या अपने राष्ट्रपति के दर्शन हमें करा सकेंगे आप? तो फिर से पथ प्रदर्शक कहता है कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हमारे देश में अब नहीं होते। पति शब्द से ही प्रभुत्व सूचित होता है, हमने उसके बदले प्रमुख राष्ट्र सेवक शब्द रखा है। आप उनसे अवश्य मिलें, मिलकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। स्त्री, कौन से वह सौभाग्यशाली सज्जन हैं जिन्हें ऐसे राष्ट्र का प्रमुख सेवक होने का गौरव प्राप्त है? पथ प्रदर्शक कहते हैं कि जिस दिन बापू का अलौकिक बलिदान हुआ उसके ठीक एक दिन पहले उन्होंने प्रवचन दिया था कि मैं प्रसन्न तब होऊंगा जब गांव में हल जोतने वाला व्यक्ति राष्ट्र के राज्य सिंहासन पर बैठे। एक वैसे ही सज्जन हमारे प्रमुख राष्ट्र सेवक हैं और उन्होंने बापू की छत्र छाया में काम भी किया है। स्त्री कहती है, अरे तो उनकी क्या उम्र है पथ प्रदर्शक? यही 120 वर्ष के लगभग। बापू की इच्छा थी वह 120 साल जिए, वह तो चल बसे, किंतु उम्र की यह धरोहर हमें दे गए। हमारे प्रमुख राष्ट्र सेवक उनकी इच्छा की पूर्ति कर सके हैं, यह हमारे लिए सौभाग्य की ही बात है। पुरुष, एक हल जोतने वाला व्यक्ति इस सर्वोच्च पद पर कैसे पहुंचेगा? क्या आपके यहाँ उम्मीदवारों में प्रतिद्वंदिता नहीं होती? पथ प्रदर्शक, हमारे यहाँ चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं होता। बापू क्या कभी किसी पद के उम्मीदवार हुए? तो भी वह हमारे सब कुछ थे, हमने वही पद्धति ली है। बापू की जयंती दिवस को हम उत्सव मनाकर लौटते हैं, तो इस पद के लिए किसी एक के लिए अपना मत डालकर मत पाने के लिए कोई प्रचार करना तो हमारे यहाँ शिष्टता के प्रतिकूल समझा जाता है और हमारे राष्ट्र में कोई अशिष्ट नहीं, यह हमारा दावा है। स्त्री, सब कुछ विचित्र है आपके देश में, चलिए हम उनके दर्शन कर लें। इस दृश्य में आपने ये देखा कि यहाँ पे भारत में 2051 के भारत में चुनाव भी नहीं होते, राष्ट्रपति शब्द का भी प्रयोग नहीं होता, क्योंकि पति जो है वो कहीं ना कहीं वर्चस्व का और अधिकार का प्रतीक होता है और इसीलिए पति शब्द को हटा दिया गया और उसके स्थान पे प्रमुख सेवक शब्द को वरीयता दी गई है। और भारत में कोई चुनाव नहीं होता, इनफैक्ट चुनाव के लिए वोट मांगने जाना कहीं ना कहीं अशिष्टता समझी जाती है। तो इस तरीके से हमारा ये पांचवा दृश्य समाप्त होता है। अगले दृश्य को लेकर मैं पुनः हाजिर होंगी। उम्मीद है आप मेरी इस यात्रा में सहभागी बनेंगे। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में, सहयोगियों में प्रेषित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का मेरे साथ यहाँ तक चलने के लिए।